हर जी पहले ये बताइए कि जो ये SDFC की स्कीम है वो SBI की स्कीम से अलग कैसे है? सिमिलर है। अगर डिफरेंसेस के पॉइंट लें तो ये एक्चुअली इन्होंने कहा है 3 साल, बट ये 2 से सवा 2 साल है, बिकॉज फिक्स्ड रेट रहेगी 31 मार्च 2012 तक। यानी डिपेंड आपका डिसबर्समेंट कब होता है। अगर समझो आजकल में हो गया तो आपको 2 साल और 4 महीने तक फिक्स रेट मिलेगी, अगले महीने हुआ तो 2 साल और 3 महीने, अगर एवरेज में माने तो करीबन से 2 साल तक आपको फिक्स रेट मिलेगी, और उसके बाद जो है एप्लीकेबल जो भी उन्होंने कहा है उसमें वो फ्लोटिंग रेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये एक फर्क इसमें क्लियरली है कि दी फिक्स्ड पीरियड जो है वो थोड़ा कम है बनिस्पत स्टेट बैंक के। प्रोसेसिंग फी के बारे में मैंने डिटेल में नहीं देखा है प्रेस रिलीज में, लेकिन शायद प्रोसेसिंग फी है, वेव ऑफ नहीं हुई है। स्टेट बैंक में प्रोसेसिंग फी नहीं है, बट बाकी ओवरऑल सिमिलर स्कीम है। और अगर इफेक्टिव कॉस्ट्स हम देखें तो अमाउंट पे डिपेंड करता है, कोई चीज में अगर वो HDFC का थोड़ा कम आ जाता है तो कई में स्टेट बैंक का शायद थोड़ा सस्ता हो सकता है एक लिमिट के। तो आपने कहा कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस जो ड्यूरेशन है वो 3 साल 2 साल उसमें फर्क दिख रहा है। अगर हम चार्ट देखते हैं तो इसका 8.25% जो कह रहे 3 साल के लिए 8.25% के हिसाब से, लेकिन जो SBI का है उनका जो रेट चल रहा है वो पहले 8% पहले साल के लिए है, 8.5% दूसरे और तीसरे साल के लिए, और चौथे साल से उनका फ्लोटिंग शुरू हो जाएगा। तो इस चार्ट के मुताबिक सस्ता कौन सा पड़ेगा जिसको भी ये लोन लेना है, होम लोन, तो दोनों में से कौन सी स्कीम उसके लिए सस्ती पड़ेगी? तो डिपेंड इस पे करता है कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। इसमें एक बेसिक असम्पशन ये लेना है कि आज का जो उनका रेफरेंस रेट्स है SBI के केस में, स्टेट बैंक एडवांस रेट जो उनको कहते हैं, और इनके HDFC के केस में उनका PLR है, एग्जैक्ट नाम मैं भूल गया, बट जो भी उनका रेफरेंस रेट है अगर वो सेम रहता है और इसलिए 2 साल या 3 साल के बाद फ्लोटिंग रेट जो है वो जो आज की रेफरेंस रेट है उसके मुताबिक अगर हम गणना करें और अगर वेटेड एवरेज रेट निकालें तो अप टिल अ सर्टेन पॉइंट HDFC का रफली 8.63% पड़ता है। अच्छा। वर्सेस 8.76 करीबन जो है स्टेट बैंक का पड़ता है, बट एक आफ्टर एक अमाउंट के बाद वो थोड़ा सा रिवर्स होता है। जैसे मैंने कहा 19-20 का फर्क है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शायद ये कैलकुलेशन 100% सही नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होगा कि 2 या 3 साल के बाद जब फिक्स पीरियड खत्म होगा जी, तो फ्लोटिंग रेट क्या होगी, और दोनों बैंकों के जो जो रवैया है फ्लोटिंग रेट के प्रति वो क्या रहेगा उस समय। ओके। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि अल्टीमेटली कौन सा सस्ता होता है या महंगा होता है। अब इसमें फर्क बहुत कम रह गया है। अच्छा। तो कोई उसमें बहुत ज्यादा द डिफरेंस इतना कम है कि उसमें बहुत ज्यादा विश्लेषण करना मेरे ख्याल से कोई कंक्लूजन पे आना में हेल्प शायद ना करे। ओके। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अमाउंट के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा, कितने का लोन लिया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना ज्यादा आसान रहेगा? नहीं, मेरा ये कहना है कि अब कोई भी आप ले लीजिए, थोड़ा सा शायद HDFC कोई चीज में सस्ता है अप टू अ सर्टेन अमाउंट ऑफ लोन, और उसके बाद शायद अगर 20 साल का लोन हम लेते हैं और उसके बाद शायद SBI का थोड़ा सा सस्ता है, लिटरली बेसिस पॉइंट्स का फर्क है, 0.12% या 0.05% करीबन इतना सा फर्क है। तो इतना फर्क नहीं होता कि इसके बेसिस पे आप किसी को चूज करें। तो आपको ये चूज करना है कि एक में मुझे 2 साल फिक्स्ड मिलेगा, 2 सवा 2 साल, एक में 3 मिलेगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली द रियल इम्पोर्टेंस जो एक कंज्यूमर को डिसाइड ये करना है कि 2 साल या 3 साल के बाद जो फ्लोटिंग रेट है वो इन दोनों की क्या रहेगी। और ये कह पाना तो शायद बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए भी, और शायद उन बैंकों के लिए भी मुश्किल है कि उनका रवैया 2 साल या 3 साल के बाद फ्लोटिंग रेट के प्रति क्या रहेगा। तो ओवरऑल इन चार्ट के आधार पर जो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट वो क्या दिख रहा है आपको? तो अगर हम 30 लाख का एक उदाहरण लें, रफली 30 लाख का लोन 20 साल के लिए लें तो, और 2 साल का मैंने माना है कि फिक्स रेट आप पकड़े, तो HDFC का हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 8.63 वेटेड कॉस्ट आता है। अच्छा। 2.25% पहले 2 साल और
उसके बाद जो फ्लोटिंग रेट है मेरे ख्याल से वर्क्स आउट टू 8.75, नॉट वेरी श्योर, इफेक्टिव रेट 8.63 पड़ता है। अच्छा और वही चीज एसबीआई में आपको 3 साल फिक्स्ड मिलता है और उनकी जो फ्लोटिंग रेट आज के हिसाब से लें वो 9% पड़ती है, वो उसका कॉस्ट आपको 8.76 वेटेड एवरेज पड़ता है। तो ऑलमोस्ट सेम पड़ रहा है दोनों का ही। एचडीएफसी 12-13 पॉइंट 12% या पॉइंट 13% चीपर है, चीपर पड़ेगा। ओके आपने कहा कि अभी तो फिनेंस सेक्रेटरी ने भी कहा कि अब जो ये इंटरेस्ट रेट है वो अब बढ़ने का वक्त आ चुका है, तो ऐसे में क्या जो होम लोन लेना चाहते हैं उनके लिए सही मौका है कि कूद पड़ो और अभी लोन ले लो, या फिर वो इंतजार करें कि बाकी बैंक भी अब कम करेंगे और वो भी कुछ ऐसा ऑफर लेकर आएंगे सामने, क्या लगता है आपको? तो रेट्स तो बढ़ेंगे मेरे ख्याल से, ये तो एक मार्केट में कंसेंसस है कि रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन मार्केट में शायद ये भी कंसेंसस है कि अगले 2-3 महीने नहीं बढ़ेंगे। और जहां तक लोन लेने का सवाल है, मेरे ख्याल से इंटरेस्ट रेट्स का जो भूमिका है वो एक हद तक है। सबसे बड़ी भूमिका ये है कि प्रॉपर्टी खरीदने का सही वक्त है क्या, बिकॉज लोन तो एक जरिया है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से इसमें देरी करने से या इसके और कोई ऑफर के लिए, शायद कल इससे बेटर ऑफर आ जाए, मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसके लिए आप अपना प्रॉपर्टी परचेज डिले करिए, ये तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा, क्योंकि कोई बहुत भयंकर गिरावट आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, इससे कोई थोड़ा सा, जैसे हम लोग कहते हैं 19-20 का फर्क होता है, तो शायद कोई थोड़ी सी इससे स्लाइटली बेटर स्कीम आ सकती है, बट उसके लिए आप इतना बड़ा डिसीजन डिफर करें, इतनी अच्छी स्कीम आएगी ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता। हर जी, जो हमने ऑफर की बात की पहले एसबीआई और एचडीएफसी की, ये नए लोन के लिए ऑफर लागू होगा, लेकिन जो ऑलरेडी लोन ले चुके हैं उन्हें कोई कोई तरीका है कि वो इस तरह के ऑफर का फायदा उठा सके? आप अपनी बैंक चेंज कर दीजिए, लोन स्विच कर लीजिए, लोन स्विच कर लीजिए, बिकॉज कोई भी बैंक आप ले लीजिए, ये एक मेरे ख्याल से नॉर्म रहा है कि नए कस्टमर्स को अच्छी रेट मिलती है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को नहीं मिलती। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को यह है कि उसको नया कस्टमर बन जाना चाहिए और नया वो दूसरी बैंक के लिए बन सकता है, तो आप स्विच कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। स्विच आप तब कर सकते हैं अपने समय पे भुगतान किया हो और आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा, आप स्विच करिए। कॉस्ट के बावजूद, कॉस्ट लगने के बावजूद, नॉर्मली इन मोस्ट केसेस आपको बेनिफिट होगा।